हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुमंत इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपका इंतजार हो रहा था, आप तो ये सोच रहे होंगे कि सर बोलते हैं कि 10 बजे रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी लेट हो गए। तो लेट क्यों हो गए उसका कारण मैं बताता हूँ कि पहले कॉपी कम आती थी, जैसे 50-60 कॉपी आई तो वो जल्दी से चेक हो जाती तो जल्दी रिजल्ट आ जाता था। अभी कॉपी जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं तो उनको मत लीजिए 8 बजे तक कॉपी आती है, उनको मैं चेक करता हूँ। तो चेक करने के बाद में पहले सारी कॉपियाँ पढ़नी पड़ती हैं, उसके बाद में फिर उनको नंबरिंग सबको चेक करो, फिर उनकी राइटिंग वगैरह देखो, नंबर देखो, फिर ये देखो कि उनने किसने कितने टाइम पर भेजी है, फिर उसके बाद में वीडियो बनानी, फिर उसके बाद में एडिट करनी, फिर वो फोटो वगैरह लगाने, वो एडिट करने, नाम लिखना, फिर उसके बाद में आपका नंबरिंग देना। तो ये काफ़ी समय लग जाता है इसमें। तो मतलब फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी, आपके 8 बजे से आपके काम पे ही लग जाता हूँ। अब आके ख़त्म हुआ है क्योंकि कॉपी काफ़ी ज़्यादा है। आज की जो टेस्ट की कॉपी है वो 114 से प्लस हैं, यानी कि लगभग 120 से और ज़्यादा ही हैं। ठीक है, कुछ बच्चों ने थोड़ी मिस्टेक की है, कुछ ने सही किया है, कुछों की राइटिंग थोड़ी ऐसी है, तो सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ मेंटेन करने के बाद तब मैंने आज के जो रिजल्ट में मैं बता दूं, टॉप 25 बच्चे फर्स्ट आए हैं, यानी कि जिनके फुल में से फुल और भी हैं, फुल में से फुल तो वैसे आपके काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से राइटिंग और समय और मतलब हर चीज़ को देखते हुए यानी 25 निकाले हैं मैंने टॉप। ठीक है, जो मतलब जिनका राइटिंग अच्छी है, काम अच्छा है और आपका फुल में से फुल मार्क्स हैं। और एक मैं खास बात बता दूं आपको कि एक स्टूडेंट ने मेरे को पास कॉल किया और बोल रहे थे कि सर हमने अपने पिताजी को दिखा रहे थे आपकी वीडियो कि हमारे नंबर इतने आए हैं, तो उनका कुछ नंबर था मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन वो बोल रहे थे कि पिताजी बोल रहे थे कि तेरा नंबर तो इतना है। तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, उनको और उनके पिताजी दोनों को बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आज बच्चों ने यानी 114 बच्चों ने टेस्ट दिया है, जिनमें से मैंने 25 बच्चे फर्स्ट निकाले हैं, तो 25 बच्चे फर्स्ट निकाले, इनके फुल में से फुल नंबर आए हैं, जितने का टेस्ट था ने पूरे क्वेश्चन सही किए हैं, राइटिंग बहुत अच्छी है और फुल में से फुल नंबर आए हैं। तो अब नंबरिंग वो तो मैंने नंबरिंग इस क्रम में दी है कि आपका बच्चा ऐसा समझिए कि उनका फुल में से फुल नंबर है, लेकिन उन्होंने टेस्ट मान लीजिए एक बच्चे के फुल में से फुल है, एक दूसरे बच्चे के फुल में से फुल है, अभी उनको पहले नंबर पर तो रख नहीं सकते, इसलिए मैंने उनका जो जिसने पहले कॉपी भेज दी है उसका पहले नंबर दे दिया, उसका दूसरा दे दिया, लेकिन है सभी फुल में से फुल। क्लियर है ना बात? तो आपको घबराएं नहीं, आप इनके पिताजी हैं तो समझो बातों को, क्योंकि यहां पर क्या है फुल में से फुल है, तो आप यह मत सोचिएगा बच्चा पीछे रह रहा है आपका, फुल में से फुल नंबर लेकर आ रहा है, फुल में से ज्यादा तो आ नहीं सकते, फुल में से फुल आ रहे हैं। तो टेंशन मत लो, बच्चे का हौसला बढ़ाओ कि और टेस्ट दे इसी तरीके से। और मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, आप सभी को, आप भी अपने मम्मी पिताजी को दिखाओ, उनको बताओ कि हमारे फुल में से फुल नंबर आ रहे हैं, और उनको नंबर भी बताओ, ये कि जैसे क्रम जो मैं दे रहा हूं तो उनको भी समझाओ कि ये सर ने क्रम में हर बात बता रहा हूं, मेरी वीडियो दिखाना कि ये जो क्रम है केवल उनका सीरियल नंबर है, बाकी फुल में से फुल नंबर है, सभी आपके पहले नंबर पर हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना रिजल्ट। और रिजल्ट से पहले मैं आपको अपना आपका उद्देश्य याद दिला देता हूँ। आपको पता है ना, ये जून के महीने से पहले पहले जो भी हमारे हमसे नए स्टूडेंट जुड़े हैं, क्योंकि कल हमारा 102 के लगभग टेस्ट आया था, तो आज हमारे 114 प्लस से कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, जो भी आज हमारा जुड़ रहा है, जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन जो आज इस वीडियो को देख रहा है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यदि जून के लास्ट तक एक एक बच्चा रोज का जोड़ोगे तो भी हमारे 1,00,000 से ही प्लस हो जाते हैं, लेकिन मैं केवल 50,000 का टारगेट दे रहा हूँ आपको। हर रोज का एक स्टूडेंट नया जोड़ो, और जिससे जोड़ रहे हो उससे भी बोलो कि वो भी एक नया स्टूडेंट जोड़े, और जो अपने आप जुड़ रहे हैं हमसे उनसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप हर रोज एक स्टूडेंट नया जोड़ो हमसे, और उनसे भी कहो कि वो भी एक जोड़े। तो मतलब ऐसे एक एक भी जोड़ेगा एक दिन में, तो यानी जून के लास्ट तक हमारे 1,00,000 से प्लस हो जाएंगे। सो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए कर लो, मैं आपके लिए इतनी इससे भी बेस्ट मेहनत करने वाला हूँ, और 50,000 तो मैंने बताई दे, एक सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है आपको, ये समझ लीजिए भयंकर वाला। चलो स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट पर, आ जाते हैं टेस्ट के रिजल्ट पर। देखिएगा हमारा जो 25 नंबर पर, देखिएगा 25 नंबर पर है संतोष हरियाणा से, ना तो इन्होंने फोटो दिया है, ना ही हमें ये बताया कि लड़कियां लड़के, क्योंकि नाम से तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इन्होंने संतोष से मैं बताना चाह रहा हूँ अपना नाम, यदि लड़का हो तो फोटो जरूर भेज दो, लड़कियों पर कोई भी वो नहीं है, कोई मतलब एक्चुअली मैं लड़कियों को लगाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लड़कियाँ बोलती हैं कि सर हमारा फोटो लगा दीजिए, तो उनका ही लगता है। ठीक है, लेकिन लड़कों से तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, आप तो यदि हो तो आप फोटो भेजा करो। ठीक है, तो ये संतोष हरियाणा से। ठीक है, अब 24वें नंबर पर आते हैं, ये है आपके राधिका बिहार से। ठीक है, राधिका बिहार से।
24वें नंबर पर, फुल में से फुल नंबर आए हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा नए स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट का वेलकम है, और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए और एक स्टूडेंट हर रोज का आप छोड़ते रहिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 23वें नंबर पर हैं ये नेहा यूपी से। इन्होंने टेस्ट काफ़ी देर पहले जमा कर दिया था, बस इन्होंने एक जो आपका आई बराबर एन ई ए बी डी था तो वहाँ पर ई नहीं लिखा था, इसलिए ये काफ़ी पीछे पहुँच रहे हैं। बाकी फुल में से फुल नंबर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे से कोशिश करना कि एक छोटी सी भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो ये क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा हर चीज में अव्वल रहे और हर मतलब हर तरीके से बिल्कुल थोड़ी मिस्टेक करे ही नहीं, सामने वाले को कोई गलती का मौका दे ही नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 22वें नंबर पर है रवि कुमार, आरजे लिख रहा है, राजस्थान से हैं, ठीक है, रवि कुमार राजस्थान से 22वें नंबर पर, फुल में से फुल नंबर आए हैं। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिएगा, ठीक है, और एक एक स्टूडेंट हर रोज का जोड़ते रहिएगा, ठीक है। 21वें नंबर पर हैं राधे श्याम कुशवाहा, इन्होंने एड्रेस तो बताया ही नहीं है, राधे श्याम, ठीक है, इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिएगा, ये हर रोज टेस्ट देते हैं, ठीक है, तो आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा तो आपका 90% प्लस स्कोर जाने वाला है सभी बच्चों का, ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे 20वें नंबर पर हैं मनीष कुमार यूपी से, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा, और सब आप किसी को अपने घर में किसी को दिखा रहे हो तो मैं उनको बता दूं कि ये फुल में से फुल नंबर है, केवल सीरियल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके फुल में से फुल नंबर आए हैं, ठीक है। अब आगे 19वें नंबर पर आदित्य, ये सहारनपुर यूपी से फुल में से फुल नंबर हैं, कोई भी मतलब अपना आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, कभी भी ये मत सोचो कि हमारा इतना नंबर मिल रहा है, नंबर नहीं, ये केवल सीरियल नंबर मात्र है, आपके फुल में से फुल नंबर आए हैं। घर पर दिखाओ, किसी को भी दिखाओ, अपने भाई बंधु दोस्तों को, अपने छोटे बच्चों को, भाई बहन है उनको दिखाओ, उनको भी बोलो कि हम रोज का टेस्ट दे रहे हैं, हमारे रोज के नंबर आ रहे हैं, इस तरीके से आप भी फुल में से फुल नंबर लेके आओ, तो उनका भी क्या होगा, वो आगे की ओर अग्रसर होंगे अपने टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं हम 18वें नंबर पर हैं रोशन कुमार यादव बिहार से, ठीक है, ये रोशन ये फुल में से फुल नंबर आए हैं, बहुत अच्छा काम है सभी का, ठीक है, इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिएगा। 17वें नंबर पर हर्ष मौर्या आजमगढ़ से, हर्ष मौर्या आजमगढ़ से हैं, ठीक है, रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, इसी तरीके से टेस्ट देते रहिएगा। 16वें नंबर पर लक्ष्मी और ये हैं बांसवाड़ा राजस्थान, आरजे राजस्थान से हैं, ठीक है, इसी तरीके ये नए स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जुड़ रहे हैं अपने दोस्त अपने फैमिली में से, अपने फ्रेंड सर्कल में से, अपने रिश्तेदारी में से, कहीं से भी एक एक स्टूडेंट रोज का जोड़ते रहिएगा, ठीक है, ये हमारी खास रिक्वेस्ट है आपके लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, बाकी फुल में से फुल नंबर आए हैं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा 15वें नंबर पर है पंकज वर्मा, ये हैं आपके छिंदवाड़ा एमपी मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है, फुल में से फुल नंबर आ रहे हैं और ये रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। और आपको पता ही है क्या करना है, अब मेरे को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आपका टारगेट इस बात पर मैं आज फोकस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। 14वें नंबर पर ऋचा शर्मा फुल में से फुल नंबर आए हैं, इन्होंने एड्रेस तो बताया ही नहीं है लेकिन फुल में से फुल हैं, इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। 13वें नंबर पर ये क्या है करिश्मा राजपूत यूपी से फुल नंबर हैं, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। और ये शायद नए स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट से मैं बोलना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से अभी आपका मतलब मैं हिंदी का भी क्लास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, हिंदी का भी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आपका अब से ग्रामर की शेड्यूल बनने वाला है कुछ, तो उसमें रेगुलर वीडियो मिलेगी हर चीज़ की, ठीक है, बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा 12वें नंबर पर हैं अजय कुमार यूपी से फुल में से फुल नंबर हैं, ठीक है। आपका 11वें नंबर पर आशुतोष यादव ये जलालपुर यूपी से हैं फुल में से फुल नंबर हैं, इसी तरीके से काफ़ी दिन से रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है, और हमसे एक एक स्टूडेंट जोड़ते रहिएगा। आज आपको सोच रहे होंगे कि आज सर इस बात पर क्यों विशेष जोर दे रहे हैं, क्योंकि है कुछ कारण, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आगे देखिएगा 10वें नंबर पर हैं उदय वर्मा ये खुशीपुरा झांसी से हैं फुल में से फुल नंबर हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिएगा। फिर 9वें नंबर पर हैं अंशिका यादव अमेठी यूपी से हैं, ठीक है, आप लोग फुल में से फुल नंबर हैं, ये सीरियल पे मत जाना, इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिएगा। फिर 8वें नंबर पर हैं गौरव पाठक वाराणसी यूपी से हैं, ठीक है, और
उसके बाद में है गौरव जी, इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहना। आप ये मत सोचना कि सन ने मेरे बारे में बोला नहीं, सभी के बारे में बोल रहा हूँ मैं, एक परफेक्ट एक बच्चे का नाम लेके नहीं, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ जो हमसे जुड़ रहे हैं, कि आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा, रेगुलर टेस्ट देते रहिएगा, ठीक है। आपका सातवें नंबर पर है राजवीर सिंह फरुखाबाद, इनकी हम पर शिकायत आ रही थी सर कि आप हमारी कमेंट का जवाब नहीं देते हो। अरे आप जो स्टूडेंट हो, जो टेस्ट दे रहा है वो फेवरेट स्टूडेंट हो, और आप मेरे बोलते ना प्यारे शिष्य में से एक हो, और आपकी कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते। होता है कभी कभी निकल जाती है, या फिर मतलब देख लिया, ध्यान नहीं दिया उस पे, तो इस बात का कोई भी वो मत किया करो, ठीक है, माइंडली मत लिया करो। आगे देखिएगा, छठे नंबर पर हैं ये भारती वर्मा, ये है आपके डांगरगढ़ सीजे चंडीगढ़ है या छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ होगा शायद, ठीक है, इन्होंने भी सीजे लिख दिया, मैंने भी सीजे लिख दिया है, छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। पांचवें नंबर पर हैं अंकुश राज यूपी से, फुल में से फुल नंबर हैं, बिल्कुल भी कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चौथे नंबर पर हैं जयदीप हरदोई से यूपी, फुल में से फुल नंबर है, रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग टेस्ट देते रहिएगा। पर आकिब संभल यूपी से, संभल या एमपी में पड़ता है क्या, यहाँ पे यूपी लिख रहा है, एमपी थे शायद, ठीक है, इनका मेरे कंफ्यूजन है, संभल शायद एमपी में है। चलो बात करते हैं हम अपन आकिब संभल से, ठीक है, मैं इतना बोलूँगा। आगे देखिएगा, दूसरे नंबर पर हैं राहुल बिहार से, राहुल कुमार बिहार से नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहना। और पहले नंबर पर हैं सुशील कुमार फतेहपुर यूपी से। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये बच्चे जो हैं 25 और भी काफ़ी सारे थे, और जिनका नाम नहीं बोला है तो वो भी टेंशन ना लें, उनका केवल मतलब मेरे जो टेस्ट दिया है 114 में से किसी के भी 20 से कम नंबर तो आए नहीं है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आप ऐसा समझिएगा, यदि मैंने टेस्ट आपका 25 नंबर का बनाया है तो उसमें से 20 से कम किसी के नहीं है, ठीक है। और आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि आपको फुल में से फुल लाओ, यदि इस टेस्ट में आप फुल में से फुल लेकर आ रहे हो तो पेपर में आपका 90% बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग ये जो कॉपी बना रहे हो टेस्ट के, पेजों पे मत लिखा करो, कॉपी पे लिखा करो, ताकि पेपर टाइम पे उनकी रिवीजन करते रहो, पेज का क्या है वो निकल जाएगा, खो जाएगा, तो कॉपी बना लीजिए, क्योंकि ये कॉपी क्या है कि आपके हाथ के द्वारा लिखे हुए क्वेश्चन है, पेपर टाइम पे इन्हीं क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक आपके लिए सीरीज बन जाएगी, उन्हों को याद कर लेना, ठीक है। और वैसे भी मैंने अभी ये थोड़ा सा मिक्स कर दिया था, आगे से मैं क्या करूँगा कि आपका हर क्वेश्चन, मतलब जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स का टेस्ट लूंगा, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का टेस्ट लूंगा, या फिर आप ऐसा करिएगा जैसे आपके पास में एक कॉपी फिजिक्स की, एक कॉपी जैसे ये फिजिक्स की है, ये केमिस्ट्री की है, और ये ग्रामर की है, तो जो फिजिक्स वाले क्वेश्चन थे वो फिजिक्स वाली कॉपी में कर लिए, जो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन थे वो केमिस्ट्री की कॉपी में कर लिए, जो ग्रामर के क्वेश्चन थे वो ग्रामर की कॉपी में कर लिए, लेकिन फोटो आपने तीनों का अलग अलग खींच के मेरे पास भेज दिया, तो ऐसे कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यदि मैं क्वेश्चन भी मिक्स दे रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या किसी का भी मिक्स दे रहा हूँ, तो आप कॉपी अलग अलग बनाइएगा, जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन है उसमें लिखिएगा, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। इससे क्या है, इससे ये फायदा होने वाला है कि जब तुम पेपर दोगे तो पेपर टाइम पे आप क्या करोगे, पूरी कॉपी को देने की जरूरत नहीं, आपको एक जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक तुम्हें नोटबुक मिल जाएगी अपने पास, अपने हाथों से लिखी हुई, तो वो ज़्यादा बेटर याद होता है। हम किसी दूसरे के नोट्स लिखते हैं वो देर में याद होते हैं, लेकिन जो हम अपने आप टेस्ट दे के लिखते हैं वो ज़्यादा याद होता है। तो इसलिए इन कुछ कॉपी, हर पाँच सब्जेक्ट होते हैं आपके, पाँच कॉपी अलग बना लीजिए, बिल्कुल भी सभी की बनानी है अलग अलग, ठीक है, बिल्कुल उसी में आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा। नए लोग हैं और पुराने लोगों, सभी से बोलूंगा आपको अपना उद्देश्य से बिल्कुल मत भटकना, कि एक एक करके जून तक एक एक सब्सक्राइबर रोज का जोड़ो, और जो जोड़ रहे उनसे भी बोलो कि वो भी एक जोड़ें जून तक, तो हमारा जून तक यदि इसी तरीके से आप चलोगे तो निश्चित रूप से 1,00,000 प्लस हो जाएंगे, लेकिन मेरे केवल 50,000 तक करवाने हैं, तो ये मेरी आपसे बहुत ज़्यादा विशेष कर रिक्वेस्ट है। सो यहीं पर समाप्त करता हूँ वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।